दोस्तन भाई लोग, आप लोगों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों, अगर आप Redmi 9, जी हाँ, अगर आप Redmi 9 डिवाइस की यूज़र हो तो आज का वीडियो भाई लोग आप Redmi 9 डिवाइस यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर Redmi 9 डिवाइस पे इंडिया पे एक न्यू अपडेट आया है। तो कौन सा वर्जन का अपडेट आया है, क्या क्या आप लोगों को न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, एंड ये अपडेट अगर आपको नहीं मिला तो आप कैसे करेंगे, फुल डिटेल्स दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। पर भाई, उससे पहले अगर आप Redmi 9 की यूजर हो, हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, तो भाई फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके साथ साथ आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दोस्तों जरूर से ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि Redmi 9 डिवाइस की रिगार्डिंग ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। तो भाई, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे Redmi 9 यूजर्स के कमेंट्स एंड मैसेज आते हैं कि भाई जो न्यू अपडेट आया है वो हमारे डिवाइस में नहीं देखने को मिला है, और इस अपडेट के दौरान क्या क्या न्यू फीचर्स मिलता है। और बहुत सारे यूजर्स तो मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई Redmi 9 पे न्यू अपडेट कब आएगा। तो भाई लोग, आप लोगों का वेट खत्म हो चुका है। यहाँ पर Redmi 9 के लिए Xiaomi ने ऑफिशियली न्यू अपडेट प्रोवाइड कर दिया है इंडिया पे। तो सब कुछ डिटेल्स आज एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच करते रहना। अगर यहाँ पर वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Redmi 9 के लिए इंडिया पे जो अपडेट आया है भाई लोग, उसका वर्जन है MIUI 12.0.11.0। जी हाँ, अगर आपके पास भी Redmi 9 डिवाइस है इंडिया पे, तो आप आपके अबाउट फोन में जाके अपडेटर पे जाके चेकआउट करके मुझे ज़रूर बताना भाई लोग, आपको ये अपडेट मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है ना। अगर आपको अपडेट मिलता है तो ज़रूर से भाई डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, और अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो कैसे करेंगे वो वीडियो पे लास्ट पे बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक वॉच करते रहना। तो भाई लोग, इसका वर्जन तो मैंने बोल ही दिया, इसका साइज़ की बात करते हैं, 292 MB। जी हाँ, 292 MB इसका साइज़ है, 292 MB इसका साइज़ है। तो भाई काफ़ी छोटा साइज़ है, तो अगर आपको अपडेट मिला है तो जरूर से कर लेना। तो भाई लोग, यहाँ पर इसकी फटाफट से मैं सिस्टम की चेंज लॉग बात कर दूँ कि क्या क्या फीचर्स आया है इस अपडेट के दौरान, उसके बाद बताऊँगा कैसे आपको अपडेट करना है अगर आपको नहीं मिला है। तो सिस्टम पर आप लोग अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच तो जून 2021। तो भाई लोग, अभी ये जुलाई महीना चल रहा है, पर अभी आप लोगों को इस अपडेट के दौरान आपके Redmi 9 डिवाइस पे जून का लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है यार। अगर जुलाई का दे देता तो बढ़िया होता, और भी ज़्यादा बढ़िया होता, पर यहाँ पर जून का दिया है, वो भी ठीक ठाक सी बात है। उसके साथ साथ इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो आपकी डिवाइस के जो सिस्टम का जो सिक्योरिटी है उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट एंड इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपकी डिवाइस को जो लैग इशू है। जी हाँ, बहुत सारे यूजर्स यहाँ पर Redmi 9 के मुझे कमेंट करके बोलते थे, भाई अगर मैं फ्री फायर खेलता हूँ, अगर मैं पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी गेम खेलता हूँ तो मेरा डिवाइस थोड़ा टाइम लैग करता है या फिर फ्रेम ड्रॉप्स आता है। तो ये जो MIUI 12.0.11.0 अपडेट है, इसके बाद आपका डिवाइस का जो लैग इशू है, जी हाँ, यहाँ पर जो लैग करता था आपका डिवाइस, उसको बहुत फिक्स कर दिया जाएगा Xiaomi की तरफ से। तो ये अपडेट अगर आप कर ली हो तो आप यहाँ पर जान सकते हो आपका लैग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपका डिवाइस कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है वो कमेंट करके भाई लोग आपका फीडबैक जरूर देना। और उसके साथ साथ आपकी डिवाइस का तो स्टेबिलिटी है, जी हाँ, टच रिस्पॉन्स अगर आपका हैंग करता था या फिर कोई प्रॉब्लम होता था, उसको भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया गया है इस अपडेट के दौरान आपके Redmi 9 डिवाइस के लिए। तो आप बात करते हैं, अगर आपको अपडेट नहीं मिला है एंड अगर आपको अपडेट चला गया है तो क्या करेंगे। तो भाई लोग, अगर आपको यहाँ पर अभी अपडेट करना है तो आप मैनुअली अपडेट कर सकते हो। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं OTA लिंक एंड रिकवरी रोम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जी हाँ, OTA लिंक एंड रिकवरी रोम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको सिंपल से 292 MB का OTA लिंक को डाउनलोड करना है, एंड यहाँ पर सिंपल से चूज अपडेट पैकेज के थ्रू मैनुअली अपडेट कर लेना है। जी हाँ, मैनुअली अपडेट आप कर सकते हो, आपके डिवाइस में कोई भी डाटा इरेज या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा मैनुअली अपडेट करने से, ठीक है ना। अगर मैनुअली अपडेट ध्यान करना नहीं चाहते हो, ठीक है ना, तो आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर रहे हो आपके अपडेटर सेक्शन में। तो भाई लोग, यहाँ पर 7 से लेकर 10 दिनों को वेट करो, यहाँ पर सिर्फ पार्शियली कुछ यूजर्स के लिए ये रोल आउट हुआ है, ज़्यादातर Redmi 9 की यूज़र को ये अपडेट देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है ना। तो 7-10 दिनों को वेट करो, Xiaomi फिर से ऑल पब्लिक यूजर्स के लिए ये 7-10 दिनों के अंदर यहाँ पर ये अपडेट रोल आउट कर देगा, ठीक है ना। और अगर मैनुअली अपडेट करना चाहते हो तो आपके डिवाइस में 50% ऊपर चार्ज होना चाहिए, एंड आपका जो डेटा कनेक्शन है Redmi 9 का वो ऑन होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई लोग, कि आप मैनुअल अपडेट अभी करोगे या फिर ऑफिशियल अपडेट का वेट करोगे, पर दोनों चीज़ें सेम है, क्योंकि भाई ये जो OTA लिंक है, रिकवरी रोम लिंक है, ये सब कुछ Xiaomi प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो होपफुली गाइस आप लोग समझ गए होंगे Redmi 9 पे क्या अपडेट आया है एंड क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है। तो भाई लोग, मेरे पास बहुत सारे यूजर्स के कमेंट्स आते थे कि भाई Redmi 9 पे न्यू अपडेट कब आएगा, न्यू अपडेट की रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं। तो भाई लोग, मैंने आप लोगों को पता ही होगा, मैं बोला था कि जुलाई के अंदर Redmi 9 पे न्यू अपडेट आएगा। तो देख लिया भाई लोग, हमारा बात यहाँ पर सही निकला, जुलाई के अंदर यहाँ पर Redmi 9 पे MIUI 12.0.11.0 न्यू अपडेट आ चुका है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर Redmi 9 डिवाइस पे क्या न्यू अपडेट आया, क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है। तो भाई लोग हमारा एक टेलीग्राम चैनल एंड एक टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भाई आपका ऐसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ भाई अगर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ यार ज्वाइन कर लेना, क्योंकि Redmi 9 एंड अदर जो Xiaomi के डिवाइसेज हैं उनके रिगार्डिंग जब भी कोई न्यूज़ आता है हम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप पे वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो प्लीज़ यार ज्वाइन कर लेना। और भाई लोग अगर आपके किसी फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड के पास Redmi का 9 डिवाइस है तो प्लीज़ यार उसको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसको भी पता चले Redmi 9 पे क्या न्यू अपडेट आया है एंड कैसे अपडेट करेंगे। तो भाई लोग अगर आपको अपडेट नहीं मिला तो आप लोग कुछ भी नहीं करना है, मैनुअली कर सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पर 7 से लेकर 10 दिनों का वेट करना है, क्योंकि ये पब्लिक यूज़र्स के लिए रोल आउट होने में अभी भी 7-8 दिन टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ पार्शियली कुछ यूज़र्स को रोल आउट हुआ है। तो भाई लोग अगर इस अपडेट का फुल रिव्यू का वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके इस अपडेट का फुल रिव्यू वीडियो लाने में। तो होपफुली दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोगों को भाई लोग एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही।